N2O5 कैसा होगा? नाइट्रोजन एक बार तीन बॉन्ड बना ले, अगला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। NO, NO, अब ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहेगा। HNO3, नाइट्रोजन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है? 2s2 2p3 ना, तीन बॉन्ड बनाएंगे, बाकी क्या होंगे? नाइट्रोजन ऐसे है 2s 2p3, ये क्या बनाते हैं? थ्री बॉन्ड्स। और ये क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए NH4+ में क्या हो जाता है? NH3 होते हैं वो, और एक H आ जाए H+, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। उसी तरह HNO3 में क्या होता है? HON होता है, डबल बॉन्ड हो। एक बार नाइट्रोजन थ्री बॉन्ड बना दिया है, तो अगला कोऑर्डिनेट है। ये NH4OH लिखा, तो NH4+OH- ही तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में डाउट है। 8 देखो, वैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर की जो वैलेंसी होती है 2, 4 और 6 होती है। 3s2, 3p4, 3s2, 3p4, आइदर कैन फॉर्म टू बॉन्ड, 3d वैकेंट है, 3s है, 3p है। अभी बनाएगा तो कितना बनाएगा? टू बॉन्ड्स। एग्जाम्पल H2S, एक्साइटेड स्टेट वन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया था, 3s तो वही रह गया, 3p का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर 3d में चला जाएगा, ऐसे 4 अनपेयर्ड, यही चार बॉन्ड बनाएगा, मतलब 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? SO2 टाइप हो जाएगा, H2SO3 टाइप बन जाएगा। ES2 में क्या हो जाएगा? सिक्स बॉन्ड बन जाएगा, नोट कर लो, ये इट फॉर्म्स SO3 या H2SO4 टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 यही था ना, सिक्स बॉन्ड्स। नोट कर लो तुरंत।
ओके आई थिंक डन। स्पेस आइसोमेरिज में ऑर्गेनिक में करना है हम लोग को, उसमें अरेंजमेंट इन द स्पेस बिकम्स डिफरेंस, एक्सेस आइसोमर्स हो जाता है, एक ट्रांस हो जाता है, कभी नहीं पढ़ना वो। बस ये समझ लो कि स्पेस आइसोमेरिज स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ आदित्य। ओके देखो यहाँ पे सिक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH4+, अभी तो बताया NH3 में नहीं होगा, H2O में नहीं होगा, HCl में होगा। ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए, H2O में दो बॉन्ड है, NH3 में नाइट्रोजन को तीन बॉन्ड बनाना है, तीनों है, चौथा बॉन्ड बनाना होगा तो कोऑर्डिनेट आएगा। ऑक्सीजन को भी फोर्थ बॉन्ड बनाना पड़ा ना, थर्ड बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट होगा। NH4OH नहीं समझ में आया, NH4+ बताया था ना, वही तो NH4+OH- था। NH4+ कैसा है, मतलब नाइट्रोजन कभी भी तीन बॉन्ड बनाए तब तक तो कुछ नहीं होगा, तब तक तो तीनों बॉन्ड कोवेलेंट होगा, बट चौथा कोऑर्डिनेट होता है ऐसे। और इसमें कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है, तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा, H+ जैसे बना देगा। NH4+OH-, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना ये। अनित्य क्लियर हुआ, द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दो दो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट ले लो, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन ले लो, आयनिक के कोवेलेंट, क्लोरीन ऑक्सीजन, हाँ कोवेलेंट होता है ना। टेंथ LiCl आयनिक कंपाउंड होता है, बट इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आता है ना, हाँ तो अच्छा ये उसके बाद आएगा, ये फजासुल जिसने पढ़ लिया होगा उसको मालूम होगा कि LiCl क्या होता है। ये सब बॉन्डिंग होती है, कोई भी चाहता खुद से बुकलेट उठा के भी पढ़ जाओ, सब समझ में आ जाता है। LiCl क्या होता है, सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट ज्यादा होगा तो कोवेलेंट में डिजोल्व होता है। ये फयासुल पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा, तो अभी लीव करो, अभी के लिए नहीं, जब फयासुल पढ़ेंगे तो। ओके नाइन्थ फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO, मतलब M की वैलेंसी 2 है, जैसे CaO हो गया, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया नाइन्थ में कि ये CaO है, अब Ca2+ और PO4-3- दिया रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, ये इधर चला जाता है, ये साइड चला जाता है, यही होता है ना, Ca3PO4-, क्रिस क्रॉस मेथड से इस तरह से फॉर्मूला लिखते हो, क्लियर ना, मतलब ए पे एक्स प्लस बी पे वाई माइनस रहे तो फॉर्मूला क्या होगा, ये इधर ये इधर, ये फॉर्मूला हो जाता है AyBx। अब कौन सा है बताओ, ओके चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूरे क्वेश्चन नंबर 10 बताया अभी, राइट, नहीं 10 तो बताया ना अभी कि नहीं करना है, और फिफ्थ तो बता दिया शायद, आई थिंक हाउ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5, कौन कौन सा देखा N2O5 में, एक कोवेलेंट बॉन्ड था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, N2O5 वही बताया था ना फिफ्थ, कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट दोनों है, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाया उसके बाद वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो गया, N2O5 का स्ट्रक्चर देखो, चलो फिर से बना देता हूँ, N2O5 का स्ट्रक्चर पूछ रहा है कैसा है, ऐसा है ना, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, ये सब कोवेलेंट हुआ, ये दो कोऑर्डिनेट है, इसमें दोनों बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट, NH4OH में कौन कौन सा हो गया, जैसे NH4Cl में कौन सा हो गया,
ये आयोनिक, और इसके अंदर कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट सब है। NH4Cl में तीनों बॉन्ड है, आयोनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। NH4+ में तीनों है ना, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। हाँ सोच लो, ये क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड वी हैव टू लर्न, अदरवाइज यू कैन गेस और देयर इज नो अदर मेथड जिससे तुम कर पाओ। सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम है तो लिख के आओगे, नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे, गेस नहीं कर सकते। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू तुम बनाते चले जाओ, कुछ भी आ सकता है। फिर ये इनऑर्गेनिक करते हुए पूरा तुम्हें लर्न करना है। पॉजिटिव ओवरलैप, ओ क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक नहीं हुआ क्या? 4 भी किया था मुझे लग रहा है। हाँ, टू इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में क्या होगा, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? तुम्हें लग रहा है आयनिक बॉन्ड है क्या? SO2 बनाओ, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर दो पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच? क्रिश, क्वेश्चन नंबर 4। अरे एक ही क्वेश्चन कितना बार बोल लो, मैं बोला स्पेस साइज से मेरी नहीं पढ़ना तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पढ़ना, फिर भी बार बार कई बच्चे बोले 10 बताओ, कई बार बोल रहे हो स्पेस साइज से अरेंज बताओ। हाँ फिर से क्वेश्चन 4 तीसरी बार बताने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कई बार बोला नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, फिर भी कहाँ है दिमाग? क्वेश्चन नंबर 10 अभी नहीं करना तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, SO2 ले लो, SO3 ले लो, स्ट्रक्चर बना के खुद से देखो, कोवेलेंट दिख रहा है कि आयनिक बॉन्ड दिख रहा है? तो कोवेलेंट बॉन्ड दिख जाए तो समझ लो कि वो पी ब्लॉक वाले सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अरे आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल में बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में, जैसे CO2 ले लोगे तो आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कोवेलेंट। पहले क्लियर कर लो ना, चौथी बार कोई नहीं पूछेगा, 3 बार बताया मैंने। पी ब्लॉक के दो एलिमेंट ले लो ऐसे, तो ये कोवेलेंट दिखेगा, SO2 ये सब कोवेलेंट दिखेंगे, इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। आयोनिक बॉन्ड किसमें होगा? ग्रुप 1 का एक हो, ग्रुप 2 का हो और एक पी ब्लॉक का, एक इस ब्लॉक पे पी ब्लॉक रहे तो आयोनिक दिखेगा। आयोनिक ग्रुप 1 ग्रुप 2 ले लो, उसके साथ पी ब्लॉक ले लो, SO3, केवल पी रहेगा तो ये कोवेलेंट दिखेगा। अभी सोच लो, स्टार्ट करें। पॉजिटिव ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, पिछले बार बताया था ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, SS PP DD SP सब बताया था, वो ग्रेक लेक्चर इस पे गया था, तो उससे भार्गव एक बार देखो, उसमें समझ में आएगा। जैसे SS ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड आता है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम मीन्स एटम्स विद ग्रेटर ईएन, नहीं हर एटम का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि ये एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। सब एटम की अपनी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है, तो फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऐसा लिखा रहता है। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट के, हाइब्रिडाइजेशन। ये अपना बेस होगा सबका, है ना, पूरे केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी लिखना बंद करो तुम लोग, पूरे केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये इसी के अराउंड पूरा केमिकल बॉन्डिंग मूव करते रहता है ना। हाँ सर आई नो लास्ट लेक्चर हुआ था, बट प्लस पी बॉन्ड पॉसिबल? पी और पी के बीच का ओवरलैप ना, हाँ रहता है SS का ओवरलैप। पी और पी में क्या होता है, सिग्मा और पाई दोनों बनता है ना, तो पीपी ओवरलैप देखना। चलो ठीक है, हम न्यू कंसेप्ट पे आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, गेस करने की कोशिश करते हैं कार्बन क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना हाइब्रिडाइजेशन, ये बेस है, ये बेस रहेगा तो अभी और कुछ नहीं है, तुम लोग
अभी चलो फिर से लास्ट बता देता हूँ, कुछ डाउट है। डू वी हैव द एंटायर केमिकल बॉन्डिंग फॉर द टेस्ट? नहीं, केवल हाइब्रिडाइजेशन तक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक मैं पढ़ाऊंगा बस इतना ही टेस्ट है, अभी और कोई क्वेश्चन नहीं। अब हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ, बस शांति से सुनते जाओ, कोई डाउट नहीं, लास्ट में पूछना डाउट। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर है तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लियर होगा, नहीं तो भूल जाओ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बुकलेट भी साथ में स्टार्ट कर लो, देख लो बुकलेट वहां पे होगा, हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट्स बताते जाऊंगा मैं। तो कार्बन क्या क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2, ऐसे है ना। कार्बन हो गया 2s, यहाँ पे हो गया 2p, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो कार्बन चार बॉन्ड तो बना है, कार्बन फोर बॉन्ड हमेशा बनाता है, मतलब कार्बन कंबाइंस ऑलवेज इन द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कंबाइन करता है तो कार्बन केवल दो बॉन्ड बनाता है, यही होता है ना, और एक लोन पेयर रह जाता है। बट कार्बन चारों बॉन्ड बनाया तो इसमें आ जाता है, इसका मतलब। तो कार्बन होगा कैसे? कार्बन बनाओगे तो एक तो ऐसा ऑर्बिटल होगा ऐसा, और तीन पी ऑर्बिटल होंगे, px, py और एक होगा pz, ऐसे होगा ना। ये कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन चारों ओर से आता है, हाइड्रोजन पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, कंबाइन करेगा। ये हाइड्रोजन इधर से आके कंबाइन कर गया, एक जेड एक्सिस से कंबाइन कर गया, और एक यहाँ से हो जाएगा कंबाइन, और एक ये जो 1s है उससे कंबाइन कर जाएगा ऐसे। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ये सब हाइड्रोजन जब आके कंबाइन करेंगे तो किस डायरेक्शन से कंबाइन करेंगे? इसके पास px है, py है, pz है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक px डायरेक्शन से आएगा, एक py से और एक pz से, मतलब 3ch शुड बी एट 90 डिग्री। एंड एक किस पे होना चाहिए? ये तो मूविंग होगा, ये दो स्पेयर क्या होगा, जैसे दो मैग्नेटिक स्पेयर ले लो तो आपस में रोलिंग रहेंगे, तो यहां भी c और h आपस में रोलिंग रहेंगे। 3ch शुड बी एट 90 डिग्री एंड अदर हाइड्रोजन शुड बी मूविंग। तो फिक्स कैसे हो सकता है? दो स्पीयर ले लो, मतलब कि दो स्पीयर ले लो, दोनों मैग्नेट लगा दो, दो मैग्नेटिक स्पीयर को आपस में टच कर दो, तो उसका रोलिंग नहीं रोक सकते तुम, ऊपर करोगे रोल करते रहेगा आपस में। यहाँ भी ये सी और एच क्या होगा? मूविंग होना चाहिए। कौन सा सी एच मूविंग होना चाहिए? ये वाला हाइड्रोजन मूविंग होना चाहिए, और ये तीन फिक्स होना चाहिए। कितना पे? एट 90 डिग्री। एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड है। एंड बॉन्ड एनर्जी किसका अलग होगा? ये तीन कौन सा बॉन्ड एनर्जी हो गया? एस और पी का, ये एस है और ये पी है, पी एक्स, ये एस और पी वाई, ये एस और पी जेड। तो ये तीनों की सेम बॉन्ड होने हैं एंड सेम बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये तो ये किसका ओवरलैप है? ये 2s है और ये 1s है, ये 2s 1s का ओवरलैप है, यहाँ p और s का ओवरलैप है, बट ऐसा नहीं मिला। बॉन्ड एनर्जी ऑफ 3ch शुड बी इक्वल एंड अदर शुड बी डिफरेंट। बट प्रैक्टिकली क्या फाउंड किया गया कि चारों सी एच बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी है। ऑल फोर सी एच बॉन्ड हैज द सेम एनर्जी एंड ऑल फोर सी एच बॉन्ड एग्जिस्ट एट द सर्टेन डायरेक्शन 109 डिग्री 28 मिनट। प्रैक्टिकली जब इसको फाइंड किया गया तो मालूम चला कि ऑल सी एच बॉन्ड हैव सेम एनर्जी एंड सेम बॉन्ड एंगल, सेम बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा होता है।
सब ऑल सी एच बॉन्ड का सेम एनर्जी है एंड सेम बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का. इसका मतलब इसको टू एक्सप्लेन दिस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. हाइब्रिडाइजेशन इस चीज को बता पाया कि ऐसा क्यों हुआ. यदि सबकी एनर्जी सेम है, मतलब ना कार्बन के पास एस है ना पी है, कार्बन के पास सब एक ही ऑर्बिटल, बट एस और पी तो प्रूवन था कि एस और पी एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब हो क्या रहा है कि कार्बन के सारे ऑर्बिटल मिक्स करके एक जैसे बन गए. जैसे कि कार्बन को एक्सप्लेन कैसा गया कि ये कैसा था 2s1, ग्राउंड स्टेट भी लिखी देता हूँ, ऐसे था ग्राउंड स्टेट में. एक्साइटेड स्टेट में ऐसे हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और 3 इलेक्ट्रॉन्स आर दिस साइड. अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ऑल 4 ऑर्बिटल. ये कौन सा था, 2s था, ये 2p था, सब मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे. 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. मतलब एस और पी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ना एस बचेगा ना पी बचेगा. उसके जगह यहाँ पे ये हो जाएगा sp3. ये सभी क्या हो जाएंगे, sp3. अब तुम्हारे पास 4 ऑर्बिटल है और चारों कहलाएंगे sp3 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 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना एस बचा ना पी बचा. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये ऐसा हो जाएगा, राइट? हाँ, बट 1s2 एज इट इज बचा रहेगा, 1s2 को कुछ नहीं होगा. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. सब sp3 में, एक sp3 में 1, अगले sp3 में भी 1, नेक्स्ट sp3 में भी 1, नेक्स्ट sp3 में भी 1. ना s बचा ना p बचा, कार्बन के अंदर ही चेंज हुआ. हाइड्रोजन को इससे कोई मतलब नहीं था, ये सब जो होता है केवल सेंट्रल एटम के अंदर होता है. जैसे इस सेंट्रल एटम को कैसे पहचानोगे, एक ही होगा सेंटर में होगा, CH4. सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है जो सबसे कम अमाउंट पर है, N2O5. नाइट्रोजन सेंटर में, ऑक्सीजन उसके आसपास है, H2SO4. तो सल्फर ही होगा, ऑक्सीजन सब उससे कंबाइन करेंगे. सेंट्रल एटम SO3, तो सल्फर ही होगा, चारों ओर ऑक्सीजन होंगे. तो जो सबसे कम होगा वो बड़े साइज में होता भी है, मतलब वही सेंट्रल एटम होगा, NH3. नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, बाकी सब साइड वाले एटम. तो जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर ये प्रोसेस होगा, साइड वाले में नहीं. ये नहीं कि NH3 है तो हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा, CH4 है तो हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा. रुक जाओ, अभी क्लियर करने दो फ्लो में मुझे सब. तो इस तरह से होता जाएगा. इट इज सेम लाइक कि मान लो तुम्हें मैं एक स्प्राइट का बोतल दे दूं और 3 पेप्सी है, मैंने बोला सबको मिक्स कर दो, एक स्प्राइट और 3 पेप्सी मिक्स कर दो. ये स्प्राइट था, ये पेप्सी था, तीनों है ना, एस फॉर स्प्राइट पी फॉर पेप्सी ले लो. एक स्प्राइट और एक 3 पेप्सी का बोतल है, तीनों को मैंने बोला सबको आपस में मिक्स कर दो. तो मिक्स करोगे तो क्या होगा, सब में स्प्राइट कंटेंट 25% चला गया, सब में स्प्राइट होगा कितना, 25% 25% 25%. हाँ, और सब में पेप्सी कितनी होगी, 75% 75% 75%, यही होगा ना. तो हर एक बोतल को तुम बोलोगे अरे 25% कॉकटेल हो गया, 25% स्प्राइट है, 75% पेप्सी है, यही बोलोगे ना. अब हर एक बोतल सेम साइज सेम शेप सेम एवरीथिंग सेम हो गया, अब ना स्प्राइट बचा ना पेप्सी बचा, सब मिलके एक जैसे हो गए. तो वही इसमें होता है, sp3 लोग है ना, तो सब मिलके एक जैसे हो जाएंगे. अब सबका नेम एक होगा, sp3 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 sp3, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे. अब सब कंबाइन करेंगे तो ये सब एक जैसे हो चुके हैं, अब कोई भी डिफरेंस नहीं है. हाँ, बट कार्बन का जो 1s2 था वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कार्बन का 1s2 एज इट इज पड़ा हुआ है. 2s और 2p आपस में कंबाइन करके सब sp3 बन चुके हैं. सब sp3 बन चुके हैं तो ना स्प्राइट बचा ना पेप्सी बचा, दोनों क्या बच गए, सब एक जैसे ऑर्बिटल बच गए. जब एक जैसे ऑर्बिटल बच गए और सबसे हाइड्रोजन आके कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सबसे हाइड्रोजन आके कंबाइन कर रहा था, एक ही जैसा बनेगा. एक एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस और ये पी,
जैसे sp3 ले लो, तो चार sp3 हैं, चारों sp3 कैसे ओरिएंट होंगे, ये कार्बन बीच में ले लो, यहाँ पे कार्बन है, एक लॉब इधर एक इस साइड, एक लॉब इधर एक इस साइड, एक लॉब इस साइड एक इधर, एक लॉब इस साइड एक इधर, और सबके बीच पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये 3D स्ट्रक्चर जाएगा पिरामिड टाइप का, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन होगा इधर से कंबाइन करेगा, यह हाइड्रोजन होगा इधर से कंबाइन करेगा, यह हाइड्रोजन इधर से कंबाइन करेगा, और ये हाइड्रोजन इधर से कंबाइन करेगा। ये क्या हो गया CH4, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल रहेगा इसमें, तो सब एक जैसे होंगे। ये ओवरलैप किसका हो जाएगा, इसने sp3 ऑफर किया और हाइड्रोजन s ऑफर किया, तो ये sp3s का ओवरलैप होगा। इसी तरह इसका भी क्या होगा, sp3s, ये होगा sp3s, क्लियर। तो कैसे मालूम चलेगा कौन सा एटम किस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज ए कंसेप्ट, है ना। देखो नोट्स में दिया हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर, ये क्या हो गया, इंटरमिक्सिंग ही तो हो रहा है एस और पी का, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं कि 2s और 3d ले लो, 2s 2p चलेगा, 3s 3p 3d चलेगा, सिमिलर एनर्जी लेवल वाले जो है, तो 2s और 2p ओवरलैप कर सकता है ना, एंड टू प्रोड्यूस व्हाट, सब ये जब आपस में इंटरमिक्स कर गए तो खुद तो डिस्ट्रॉय हो गया वो सब, ना s बचा ना p बचा, उसके जगह क्या बच गया, टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुआ, जैसे एक स्प्राइट बॉटल और एक पेप्सी का बॉटल मिक्स करो तो क्या होगा, 50% स्प्राइट 50% पेप्सी, तो बॉटल दो ही मिलेंगे, दोनों sp कहलाएंगे। एक स्प्राइट ले लो, एक बॉटल स्प्राइट है, दो बॉटल पेप्सी है, तीनों को मिक्स कर दो, एक बॉटल स्प्राइट दो बॉटल पेप्सी, क्या हो जाएगा फिर वहां पे, एक स्प्राइट है, तीन पेप्सी है, दो पेप्सी है, तब तीनों मिलके sp2 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 कहलाएंगे, सब में स्प्राइट 33% हो जाएगा और सब में पेप्सी 66 66 होगा, तो बॉटल कितने मिलेंगे, जितने बॉटल थे उतने ही रह जाएंगे ना, एक s और दो p था, एक स्प्राइट दो पेप्सी था, तो तीन sp2 मिलेंगे, तीनों को sp2 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 बोलोगे। इसी तरह एक s और दो p मिक्स करे तो तीन sp2 मिल जाएंगे, उसी तरह sp3 कैसे बना, एक s और 3p से, एक s और 3p मिक्स किया तो sp3 आ गया, तो ये sp3 का एक ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल मिले हम लोगों, ये 1 sp3 ऑर्बिटल है, 1 sp3 ऑर्बिटल, ऐसा चार मिला ना। अब एक s एक p और एक d ले लो, 3p ले लो, एक स्प्राइट ले लो, तीन पेप्सी का बॉटल ले लो, एक मांटो ड्यू ले लो, ड्यू आता भी एक नहीं पता नहीं, sp3d, तो टोटल पांच बॉटल मिक्स करोगे तो पांच ही बॉटल आएंगे, पांचों का नेम होगा sp3d, मतलब एक स्प्राइट तीन पेप्सी और एक डी को मिला के बनाओ, तो वो कैसा होगा, जैसे एक एस ले लें, 3p ले लें और एक डी ले लें, तो तुम्हें पांच ऑर्बिटल ही मिलेगा, पांचों का नेम होगा sp3d करके, ऐसे तो एटॉमिक ऑर्बिटल इतना ही मिलेगा जितना प्योर ऑर्बिटल मिक्स किया गया। तो इसमें टू प्रोड्यूस क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ व्हाट, सबकी एनर्जी अब क्या होगी, अब सेम एनर्जी होगी, हर ऑर्बिटल एक जैसा दिखेगा, सेम एनर्जी सेम सेम सब कुछ सेम होगा, है ना। तो ये इंटरमिक्सिंग ये होता किसके होता है, बिलोंगिंग टू वन एटम, मतलब उसके अंदर ही होता है, ये क्लियर हुआ ना, बाहर बाहर साइड नहीं होगा। उसके बाद अब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना होगा,
एक फॉर्मूला है वो अवॉइड करो क्योंकि कई जगह रॉन्ग मिल जाता हो। नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। नंबर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, नंबर ऑफ कितना हो गया, लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इससे आता है। लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया था। हाँ, अब ये क्यों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, आइदर कंटेन लोन पेयर और फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर और फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन कौन सा बनाएंगे, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जैसे पी और पी मिलके पाई बॉन्ड बना दिया, ऐसा हो गया ना पी पाई, ये पी पाई बन गया था। एक मैंने बताया था पी पाई डी पाई, ये पी हो गया, यहाँ पे डी बॉन्ड बना गया, तो ये हो गया पी पाई डी पाई, तो पी पाई डी पाई इस तरह से बन जाएगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, इस तरह से। एक मिनट सर, ने एक मैसेज किया था मुझे। बुकलेट में एक बार देखो, हाँ अब देखो एक बार बुकलेट में देखते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, बुकलेट में जो भेजा मैंने पेज नंबर 21। हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, ऑर्बिटल मिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है तो किसका हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भी रहे सब चलेगा, दो इलेक्ट्रॉन हो एक इलेक्ट्रॉन हो सब चलेगा, फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड एम्प्टी जो भी रहे हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कितना होगा, ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना फॉर्म होगा कितना, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया है अभी बताया। अभी ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज टू लॉब्स, वन इज लार्जर एंड वन इज स्मॉलर, ये था ना, एक लार्ज लॉब होगा एक स्मॉल लॉब होगा। बॉन्ड हमेशा कौन सा फॉर्म करेगा, बड़ा वाला लॉब, छोटा वाला लॉब का कोई मतलब नहीं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे फाइंड करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, राइट। वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मेनी, ये लाइक एसपी एसपी टू वगैरह आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ओके एसपी हो सकता है एसपी टू हो सकता है। अब देखो एसपी एसपी टू टाइप हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही है ना। अब ये क्यों आया वो देखते हैं हम लोग, एक बार पॉइंट्स देखो सब, मैं जस्ट बताता हूँ। हाँ
तो बहुत कम रह गया, अभी 9 बज गया ना, हम लोग को एक लेक्चर रखना ही पड़ेगा 6 to 7:30 इन द इवनिंग। कल भी करना पड़ सकता है ना। ओके नेक्स्ट देखो, इवनिंग में 6 to 7:30 भी एक लेक्चर रहेगा, क्योंकि एडवर्टाइजेशन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। कभी समझते जाओ, बहुत डेप्थ वाला कंसेप्ट है, एकदम ध्यान देते जाना। और यही बेस है, ये है तो ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम्हारे हाथ में, और ना पूरा भूल जाओ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, पूरा दो टॉपिक ही भूल जाओ, केमिस्ट्री का टू थर्ड गया। टुमारो ऑल्सो आई विल एक्सटेंड, टुमारो इवनिंग ऑल्सो मे बी फिजिबल के लेक्चर लो। ओके तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें जैसे दो पी ऑर्बिटल ले लो, दो ऐसे ले लो, एक बड़ा एक छोटा लॉब है, तो इसमें ये ओवरलैपिंग ऐसा वाला हो ही नहीं सकता, ये रॉन्ग है, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होगा, एक तो बड़ा लॉब है बट दूसरा छोटा है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, यही होगा ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें क्या हो सकता है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, एक बड़ा लॉब एक छोटा लॉब होता है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पी ऑर्बिटल, क्यों? मोर डायरेक्शनल है ना, पी ऑर्बिटल में क्या था, डायरेक्ट हाफ हाफ थे ऑर्बिटल, अब इसमें क्या हो गया, पूरी तरह से इस तरह इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, इधर छोटा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये जो बन बना हो गया इस तरह से, तो ये बेटर ओवरलैपिंग वाला होगा रादर देन टू पी ऑर्बिटल। दो पी ऑर्बिटल से जो सिग्मा बॉन्ड बनाओगे उसमें कम बनेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पूरा एक साइड आ चुका है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, तुम्हें मालूम है कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेगा? फाइव थर्टी का लेक्चर चाहिए तुम्हें? ठीक है, टाइम अभी डिसाइड कर लो, 5:30 बताओ सब अपना टाइम। मैक्सिमम लोग 5:30 to 7 बोल रहे हैं, तो 5:30 से ही रखते हैं। ओके 6 वाले कम है, 6 to 8 इक्वल इक्वल ही है, बट 5:30 थोड़ा सा ज्यादा है स्लाइटली, तो 5:30 to 7 इज ओके। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग, ये समझते जाना। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या तो लोन पे रखेगा या सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये होता है ना। अब करें रुको, कोई और डाउट आया तो? बिफोर दैट मैथ्स है, कब से है वो, 3 to 4:30 है ना। हाँ तो तुम लोग 1 आवर क्यों रेस्ट ले रहे हो, 6 सब बोले इसके लिए 6 to 8 रखो, हाँ 6 to 8 ही रखो ना, तुम लोग का 4:30 तक तो लेक्चर, उधर 1.5 आवर्स का गैप दो, 6 to 7:30 ही रहेगा।
थोड़ा बढ़ाना होगा तो 6 to 7:45 तक जाएगा। ओके okay? मेरे यही कंसेप्ट सब काम करेगा। देखो हाँ 6 to 7:30 तो क्लियर हुआ ना कि इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हो गए ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एक लार्ज है और एक छोटा सा है। यहाँ भी क्या हो गया, एक लार्ज है और एक स्मॉलर बॉन्ड है। जैसे तुम ये लोगे तो ये एक लार्जर बॉन्ड और एक एक छोटा वाला पार्ट हो गया, ये एक लार्जर बॉन्ड हो गया, एक छोटा हो गया, तो ये दोनों बना देंगे और ये दोनों छोटे छोटे वाले पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब तो याद रहेगा इस, या तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर कंटेन करेगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का दो ही काम है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितना चाहिए ये बताए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और कल मैंने बताया था कि इफ वन बॉन्ड इज देयर दैट इज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल रहा तो एक सिग्मा दो पाई, ऐसे ही होगा ना। ओके लोन पेयर इससे कैलकुलेट करो, जैसे कि हाँ, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एस और पी, यदि दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिक्स करोगे तो दो में पहला हमेशा एस होगा और दूसरा पी होगा, तो मतलब एक स्प्राइट एक पेप्सी के बॉटल को मिक्स करो तो वो एसपी मिलेंगे, ये एसपी हाइब्रिडाइज होगा। तो तुम्हें क्या मिलेंगे, टू एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, टू एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसमें मिक्स कौन सा हो गया, एस और पी। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट 3 है, तो कौन कौन सा मिक्स होगा, मान लो एस प्लस पी एक्स ले लो, पी वाई ले लो, पी जेड ले लो, कोई भी चलेगा, एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, मतलब कोई दो ऑर्बिटल, पी वाई प्लस पी जेड, पी एक्स प्लस पी जेड, सब चलेगा। ये तीन ऑर्बिटल मिक्स हो गए, मतलब एक स्प्राइट दो पेप्सी मिक्स किया, तो क्या मिलेगा तुम्हें, एस पी टू हाइब्रिडाइज कहलाएगा वो। टोटल कितने मिलेंगे, तीन बॉटल थे तो तीन ही मिलेंगे, 3sp2 hybridized orbital। अब एक s, px, py, pz तीनों मिक्स कर दो तो टोटल चार बॉटल मिक्स हुए, एक स्प्राइट तीन पेप्सी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 है। हाँ तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा, सब sp3 कहलाएंगे, sp3 तो 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये सब सेंट्रल एटम के अंदर हो रहा है। अब एक एस पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसा आ गया, प्लस एक डी ले लो, डी जेड स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, ये होगा sp3d। उसी तरह 6 रहेगा तो sp3d2, 7 रहा तो ये sp3d3। ये सब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होंगे। दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे तो एक एस और एक पी मिक्स हुआ है, तीन है तो तीन मिक्स करेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे आ रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देख लो कि अच्छा इसको 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, है ना, मतलब 5 मतलब क्या हो गया sp3d, 6 मतलब sp3d2, ऐसे। तो जैसे कि SO3 की बात करें हम, इसमें लोन पेयर कितना होगा, सल्फर के पास क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, All have formed bonds. So no lone pair. Lone pair तो नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ना। अब ये 6 बॉन्ड बनाने चल गए तो ये सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, ये सिग्मा एम पाई, सिग्मा एन पाई, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कंटेन करता है, मतलब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो जरूर है, लोन पेयर है नहीं, मतलब उसके लिए नहीं चाहिए, मतलब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए। 3 मतलब कितना हो गया sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब xcf2 की बात करें, ज़ेनॉन के पास क्या होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 बॉन्ड्स चले गए और दोनों बॉन्ड्स कौन सा है, सिग्मा ही तो है, कैसे, ये एक सिंगल बॉन्ड ही होगा ना, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड्स दोनों सिग्मा है। हाँ तो लोन पेयर 8 में से 2 हटा दो, 6 अनपेयर्ड, मतलब 6 मतलब 3 लोन पेयर्स,
सिक्स हैव नॉट रिएक्टेड, जो अनरिएक्टेड है वो तो कितना हो जाएगा, थ्री लोन पेयर। इसके पास क्या होगा, थ्री लोन पेयर्स हो जाएंगे, थ्री लोन पेयर टू सिग्मा। सोच लो, ओके रुक जाओ स्ट्रेस, पहले कुछ एग्जांपल कर लें दो, सबको क्लियर हो जाए फिर डाउट सेक्शन में। तो जेनॉन में ये इतना आ जाएंगे, तब इसका कितना हो जाएगा, थ्री लोन पेयर और टू सिग्मा। ये दोनों को बस ऐड कर लो, लोन पेयर के लिए भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लगेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लगेगा, यही होगा ना, क्लियर। तो थ्री लोन पेयर प्लस टू सिग्मा मतलब फाइव बॉन्ड्स हो गए, फाइव मतलब पांचों एसपी थ्री डी कहलाएंगे, एक एस तीन पी और एक डी, ये ऐड कर लो, एस का वन पी का थ्री डी का वन। अब एक्सी ओ एफ टू चलेगा, ये एक्सी ओ एफ फोर चले जाओगे, तुम्हें मालूम है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, फ्लोरीन का फिक्स है कि सिंगल ही बनाता है हैलोजन यहाँ पे। तो इसके पास लोन पेयर कितने बचे, तो देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन तो मैंने दिखा दिए बॉन्डिंग में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना, एक तो लोन पेयर बच जाएगा ना। हाँ तो वन स्टेरिक नंबर कितना होगा, इसको स्टेरिक नंबर बोलते हैं, वन लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, वन टू थ्री फोर, इसमें एक सिग्मा एक पाई है तो पांच ही है ना, फाइव सिग्मा मतलब सिक्स हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखो गए एसपी थ्री डी टू। अब एस टू एसओ फोर, वट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड वट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ दो सेंट्रल एटम है, एक सल्फर भी है और एक ऑक्सीजन भी है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सल्फर के पास कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिक्स बॉन्ड होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स तो बॉन्ड ही बना गया, लोन पेयर तो है ही नहीं, जीरो लोन पेयर है। और सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये भी है, चार सिग्मा है, राइट, फोर सिग्मा, ओके। तो जीरो लोन पेयर एंड फोर सिग्मा इज एसपी थ्री, ओके। ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो, ऑक्सीजन में सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे, ऐसे हो गया ना, ऑक्सीजन में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो दो तो को बॉन्ड बनाने चले गया और दो लोन पेयर बच गया, तो ये ऑक्सीजन का भी उतना ही होगा ना, फोर एस पी थ्री। हाँ सल्फर का ठीक है ना, ठीक है अभी मत लिखो, अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है अभी आंसर नहीं, जीरो लोन पेयर एंड जीरो लोन पेयर हो गया और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, फोर, ये आ जाएगा फोर मतलब एस पी थ्री। और ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, एस पी थ्री, क्योंकि इसमें कितना हो गया, टू सिग्मा और टू लोन पेयर, और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, जिसमें सेंट्रल एटम ज्यादा होगा सबका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब कार्बन का केस तो बहुत ईजी है, कार्बन के केस में लोन पेयर मिलेगा ही नहीं तुम्हें, कार्बन के केस में नो लोन पेयर, तो केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, जैसे सी एच फोर लेना, ये सब के सब सिग्मा होंगे, कार्बन लोन पेयर रखता ही नहीं है, वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो सब रखते हैं, ये फोर सिग्मा हो गया और लोन पेयर हमेशा जीरो ही रहेगा इसका, फोर मतलब एस पी थ्री, यही होगा ना। तुम्हें इसका एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू का बना रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसको देखोगे तो इधर एक सिग्मा है और इसका राइट हैंड साइड में दो सिग्मा है, इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा, ये है ना सिग्मा सिग्मा, ये एसपी टू जाएगा, क्यों इसके पास क्या है, थ्री सिग्मा जीरो लोन पेयर, ये है ना।
हाँ, ये 3 सिग्मा और 3 लोन पेयर है ना। ये इस कार्बन का भी यही होगा, लेफ्ट हैंड साइड का ले लो। सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। सारे ऑल कार्बन्स हो गया सबका आंसर, 13 आंसर्स। ओके, ठीक C2H पर मैंने हर एक कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। हाँ, हर एक कार्बन का अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, हर एक एटम का अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है। हाँ, तो देखो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा, जिसके पास 4 सिग्मा हो गया, 0 लोन पेयर। लोन पेयर तो काउंट ही मत करो, कार्बन में लोन पेयर नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, sp3 ना। इस कार्बन के पास जाओ, इसके पास कितना है, 3 सिग्मा है। एक राइट साइड में सिग्मा, एक लेफ्ट साइड में सिग्मा, और ये एक एच ऊपर की ओर है, ये सिग्मा। तो 3 सिग्मा मतलब sp2। इसका भी sp2, इसका लोगे तो इसके पास 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा मतलब ये होगा sp, और ये भी क्या होगा, sp। क्लियर हुआ ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम होना चाहिए था, जो जो स्ट्रक्चर में बताते जाऊं वो लर्न करते जाना। इसमें किसी को डाउट है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड किया, इसमें कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट करें। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए जैसे NH3, NH3 में कितना लोन पेयर होगा, तो नाइट्रोजन में किस ग्रुप का है तुम्हें याद होना चाहिए, ग्रुप 15। नाइट्रोजन पास क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 सिग्मा आ गया है ना, 3 सिग्मा ही होंगे ना, तो लोन पेयर कितना बच गया, 1 लोन पेयर। ये आना चाहिए कैलकुलेट करने, तो 3 + 1 4, तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए। 3 + 1 4 हो गया ना, तो 4 कौन कौन से होंगे, एक एस मिक्स किया होगा, 3 p मिक्स किए होंगे, इसका है sp3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो होता है एक लोन पेयर इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये sp3। अब हम लोग बात करें मतलब, तो तुम लोग को ये समझ में आ जा रहा है राइट। ये काम करो, अब सबका थोड़े के निकाल के बताओ। SO2, SO2 निकालते कैलकुलेट करते जाओ। HCF4, HCF6, और कौन सा लोगे, H2O, NH3 तो कर ही दिया, HZOF4, HZOF2, SF4, SF6, इतने का बताओ मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
सिग्मा और लोन पेयर कैलकुलेट कर लोगे तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही इतना रखेंगे। यदि सिग्मा और लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर वो टू मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब एसपी, एक एस एक पी, ये अभी पीछे टेबल दिया था, थ्री मतलब एसपी टू, फोर मतलब एसपी थ्री, फाइव मतलब एसपी थ्री डी, सिक्स मतलब एसपी थ्री डी टू, ये टेबल बैक साइड था, ओके, और सेवन मतलब एसपी थ्री डी थ्री, सेवन मतलब एसपी थ्री डी थ्री। एसओ टू का बताओ, हाँ सबका कर तो रहे हो तुम लोग, अच्छा है करते जाओ, बता डन। देखो एसओ टू में क्या होगा, हाँ सबका आ गया ना, एसओ टू में लोन पेयर कितने होंगे, सबने आंसर किया है, सही आंसर ही किया, इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर होगा सर, एसओ टू को देखोगे तो एक लोन पेयर होगा और ऐसे होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा है और ये एक पाई है, यही है ना, क्लियर है ना, तो इसमें क्या हो गया, एक सिग्मा वन सिग्मा प्लस सॉरी टू सिग्मा प्लस वन लोन पेयर, सल्फर के पास यही है ना, मतलब तीन चाहिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो तीनों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब एसपी टू, ये नंबर से आ गया ना तीन मतलब एसपी टू, एक्सीएफ फोर, तो जेनॉन के पास एट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो लोन पेयर हो गया, चार सिग्मा हो गया, इसके पास क्या हो गया, टू लोन पेयर है, फोर सिग्मा मतलब सिक्स, तो सिक्स के लिए क्या था ये sp3 d2, एक s हो गया, तीन p हो गए और d2 हो गया, xcf6 में जाओगे तो सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर और सिक्स सिग्मा है ना, मतलब सेवन मतलब sp3 d3, यही होगा ना, h2o में जाओगे तो ऑक्सीजन पास क्या होता है, सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड बनाएंगे, दो लोन पेयर होंगे, तो टू सिग्मा एंड टू लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, फोर मतलब sp3, xzof2 कितना होगा, चार बॉन्ड बनाते हैं तो दो लोन पेयर होगा, तो कितना हो गया, टू लोन पेयर,
और प्लस थ्री सिग्मा, क्यों थ्री सिग्मा हुआ, फ्लोरीन तो सिग्मा ही होगा दोनों, बट ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई है, SF4, सल्फर पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर बॉन्ड्स है, मतलब इसका फाइव हो गया ना, फाइव मतलब sp3d, SF6 नो लोन पेयर, ये क्या होगा sp3d2। हाँ SF6, SF6 में क्या होता है, सल्फर पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है और सिक्स इलेक्ट्रॉन है, ऑल सिक्स हैज फॉर्म बॉन्ड, और भी कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर का तो चांस ही नहीं है, है ना, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन H2, वो नहीं समझ में, ऑक्सीजन के पास भी सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है, ये कैसे मालूम चलेगा सिक्स होगा, इसके लिए पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम सब ग्रुप 16 कहता है, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना गया, तो दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए चले गए, चार इलेक्ट्रॉन उसी के पास है, जो फोर इलेक्ट्रॉन उसके पास है ऑक्सीजन के पास है, तो दो लोन पेयर बन गए, और कौन सा बताओ स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर अभी करते हैं, पहले ये तो समझ में आ जाए लोन पेयर सिग्मा कैसे, तब शेप की बात करेंगे, पहले लोन पे सिग्मा कैलकुलेट करना आ जाए, H2O का नहीं समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर शेप बाद में, पहले हाइब्रिडाइजेशन के बाद, ऑक्सीजन के पास देखो सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखना, और ऑक्सीजन तुम्हें मालूम है कि हाइड्रोजन के साथ दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे ऐसे कर देना सिक्स, सिक्स में दो बॉन्ड बना देना, तो तुम्हें दो लोन पेयर दिख जाएगा, अच्छा दो लोन पेयर भी होगा और दो सिग्मा भी होगा, तो फोर मतलब sp3 होगा, क्लियर हुआ H2O का हाइब्रिडाइजेशन, और किसका क्लियर नहीं हुआ बताओ, ओके क्लियर हो गया, HCF4 क्लियर नहीं हुआ, ओके HCF4 में जेनॉन के पास लिखना कि एट बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो लिख लोगे, और एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्लोरीन चार सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, फ्लोरीन तो सिंगल बनाएगा, तो फ्लोरीन को ये चार इलेक्ट्रॉन दे देना, 1 2 3 4, अब सोचो कितना बच गया, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा लोन पेयर कितना है, सोचो चार तो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने गए और एट था, फोर कंबाइन करने गए तो कितना बचा, हाँ अनुराग सोचो, हाँ फोर, तो लोन पेयर कितने हो गए, फोर, ये एडमिन किसका नेम है, पहले नेम चेंज करो, अगले बार सब बच्चे का नेम होना चाहिए विद द एलएन करके, तभी मैं एंटर करूंगा, एडमिन नेम से कोई आएगा तो उसका एंटर नहीं करूंगा, एडमिन किसका नेम है ये बताओ, मैंने देखा नहीं इसलिए इतने तक थे तुम लोग, हैकर है नो भाई, वो सिद्धि है, सिद्धि वेंकटेश, ओके हाँ ठीक है छोड़ो, अभी समझते जाओ, यहाँ पे आ जाएगा HCF4 आ जाएगा, अब दो लोन पेयर आ गया, अब दो लोन पेयर होगा तो क्या होगा, इसमें मतलब समझो ज्यादा कुछ है नहीं, फोर सिग्मा है दो लोन पेयर, ऐसे लिखना आ गया तो हो गया तुम्हें, मतलब सिक्स हो गया, मतलब एक S3P और एक SP3D2 है ना, अब आ जाएगा HZOF2, जैसे ये मैंने बताया था तुम्हें मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, ऐसे दो बना दो, फ्लोरीन फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड, तो फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दो, राइट, अब सोचो कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, फोर इलेक्ट्रॉन तो दे दिए तुमने एट में,
फोर बच गए ना इसके पास, एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखोगे? जेनॉन के पास एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने में कितने चले गए? हाँ एक एक करके, अभी सब में डाउट ही है तुम लोग को, कितना कैसे लोन पेयर कैलकुलेट करे वही नहीं आ रहा है ना। इसमें क्या हो जाएगा, फोर बॉन्ड्स बन गए। फोर बॉन्ड्स में कौन कौन से हो गए? एक हो गया थ्री सिग्मा और वन पाई, यही बनाना। तो चार बॉन्ड बनाने चले गए तो फोर मतलब बच गए, मतलब टू लोन पेयर, लोन पेयर प्लस सिग्मा मिलकर कितना हो गया? फाइव, मतलब एस पी थ्री डी। ओके अभी बोलो एस एफ फोर एस एफ सिक्स, ठीक है देखो। SF4 की बात करो तो सल्फर को सोचो, सल्फर के पास लिख देना सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा चार है ना। इसका स्ट्रक्चर शेप वगैरह भी देखना है, बट वो बाद में, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन लिखना आ जाए। तो सोचो सल्फर ने फोर बॉन्ड दे दिए, लोन पेयर कितना बचा? हाँ वन लोन पेयर, गुड। अभी समझ में आ रहा ना कि एक लोन पेयर होगा, सिक्स में फोर बॉन्ड्स बनाने चले गए। अब फोर बॉन्ड्स मतलब चारों सिग्मा ही है, एक लोन पेयर बचेगा। तो टोटल फोर सिग्मा प्लस वन लोन पेयर मतलब कितना हो गया? फाइव। और फाइव को क्या लिखना है? एस पी थ्री डी। एस एफ सिक्स नहीं समझ में आ रहा है। ओके तो सल्फर के पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड ऑल सिक्स हैव फॉर्म बॉन्ड, वन टू थ्री फोर, ऑल सिक्स हैव फॉर्म बॉन्ड। तो कितना हो जाएगा? जीरो लोन पेयर ना। हाँ तो सिक्स सिग्मा ही हो गया, जीरो लोन पेयर हो गया, तो टोटल ऐड करके सिक्स आ गया, मतलब एसपी थ्री डी टू। ये पूरा चार्ट क्लियर हो गया ये, तो इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, कितना बॉन्ड एंगल, कितना स्ट्रक्चर है, क्या है वो सब। एक सी एफ एफेक्ट नहीं होता। हाँ ये क्लियर है ना जितना लिखा सब। नेक्स्ट में क्या हो गया? सिद्धि पहले नेम चेंज करना, उसके बाद नेक्स्ट टाइम। अब इसमें एडवर्टाइजेशन होगा क्या? हाँ वानी बताओ। सर आपने जो पिछले पेज में वो बड़ा सा कार्बन वाला चेन का जो एग्जांपल दिया था, आप वैसा और दे सकते हैं क्या? मुझे उसमें डाउट है। वो तो आते जाएगा, एक एग्जांपल दिया थोड़े उसको तो देखो, और सब आ जाएंगे बुकलेट में, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। मैं सबका एक एक देते जा रहा हूँ, है ना, कि पहले टॉपिक तो ओवर हो जाए। ठीक है सर। ओके ठीक है, अब ये हो गया कि किसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया। बुकलेट पे जाओ, नोट्स में जाओ, जो दिया हुआ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ड्रैगोस रूल, SF4 नहीं समझ में आया, किसका डाउट है बताओ? लोन पेयर सिग्मा वन काउंट करने नहीं आ रहा, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। तुम लोग करके आओ, तब इवनिंग में करेंगे। अगस्त, अरे सल्फर पर सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो मालूम होना चाहिए अगस्त। ये तो पीरियोडिक टेबल में बता चुका किस में कितना इलेक्ट्रॉन है। ओके हाइब्रिडाइजेशन के नोट्स नहीं भेजे क्या? तो इसको भी भेजता हूँ, ये चीज भेज देता हूँ यहाँ से।
हाँ अगस्त पे, ये मालूम है तुम्हें कि सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब तक काम हो गया ना, ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 बॉन्ड बना दे यदि वो, तो 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर। SF2 में बताओ क्या होगा, SF2। यस, SF2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होगा। सल्फर में पहले याद करना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 बॉन्ड बनाने चले गए, 4 बच गए, 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा, SF2 SP3 पे चला गया ना। हाँ ओके, तो ये होगा SF2 की बात करें हम लोग, तो ऐसे लिखना, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा कैसे हो गए, ये दोनों सिंगल बॉन्ड ही हो गया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होते हैं हमेशा, है ना। तो लोन 2 इलेक्ट्रॉन तो गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 बच गए ना, मतलब 2 लोन पेयर, मतलब 4, मतलब SP3, सोच लो। अब बताएं। ओके, तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में चले जाएं हम लोग। अब बताओ इसको कैसे शेप लिखते हैं, शेप देख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा अपना, राइट। जैसे फर्स्ट केस हो गया, इसको मैं नोट्स भेज दूंगा, ऐसे तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कौन सा होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये दोनों मिलके ये 2 हो गया। तो ये कौन सा होगा, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP। SP मतलब क्या होगा, इसमें 50% S और 50% P है। SP कैसे बनाया है, अभी बताया था कि एक स्प्राइट का बॉटल ले लो, एक पेप्सी का बॉटल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, तो स्प्राइट भी 50%, पेप्सी भी 50%, 50% S, 50% P, तो 2 मिलेगा SP वाले। एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये क्या है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और तुम्हारे पास 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल गए, तो कैसा होगा वो, एक ऐसा बड़ा सा लोब, एक छोटा, यहाँ पे एक बड़ा सा लोब और ये एक छोटा, ऐसे होगा ना। ये इस तरह से होगा SP का शेप, ये भी SP है, ये भी SP है, बीच में जो भी एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल BCl2 का ले लो। बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1, और इसमें भी 1 है। अब ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या कहलाएगा, SPnSP। तो कैसे ओरिएंट होंगे, बेरिलियम का एक और लॉब इधर ले लो, एक छोटा लॉब इधर ले लो, इसका छोटा लॉब ले लो इधर, बड़ा लॉब इधर, तो छोटे लॉब का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ से क्लोरीन आ गया, क्लोरीन पी ऑर्बिटल वाला है, इधर से इधर से इधर से आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन हो गया, वो पी ऑर्बिटल वाला है,
इधर से इधर से आएगा, तो ये क्या होगा BeCl2, इसका लीनियर शेप होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, दो क्लोरीन नजदीक रहेंगे तो रिपल्शन करेंगे, तो द बेस्ट एंगल कितना आता है 180 डिग्री। BeCl2 मतलब sp हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। तो BeCl2 ऐसा होगा, एक बेरिलियम था जिसके पास ये दोनों sp और sp वाले थे, ये sp था और ये sp था, बेरिलियम के अंदर सब चेंज हो चुका है, दो sp बन चुके हैं, क्लोरीन जस्ट आके कंबाइन कर गया, तो ये ओवरलैप किसका कहलाएगा, sp एंड क्लोरीन ऑफ अ p ऑर्बिटल, तो इट इज द ओवरलैप ऑफ sp एंड p ऑर्बिटल्स। हाँ, शेप क्या होगा, तुम्हें शेप वाइज करें तो पहले शेप भी बता देता हूँ मैं, जैसे दो एक ए है सेंट्रल बेटा, हम बी बनाना है तो ऐसा एंगल मत रखो, दोनों में रिपल्शन होगा। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये दोनों 90 पे रखोगे तो भी तो रिपल्शन होगा ना, दोनों के लोन पेयर में है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखना है। तो सबका स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, यदि sp हो गया, sp मतलब दो है तो ab2 टाइप, तो ये b, ए एलिमेंट बीच में रहेगा जिससे BeCl2 है ना, और ये दोनों 180 डिग्री पे होंगे। अब sp2 लोगे तो हो जाएगा ab2 टाइप, एक ए है उसके साथ, सॉरी ab3 टाइप, तीन आ गया, एग्जांपल BF3, इसमें क्या होगा, ए इधर ले लो और तीन बी इक्वल एंगल पर डालोगे तो 120 डिग्री इज द बेस्ट सुटेड, ऑल विल बी एट द 120 डिग्री ना, मोस्ट स्टेबल एट द 120 डिग्री, यही होगा ना AB2। तो ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब बोरॉन बीच में ले लो, फ्लोरीन ऐसे 120 पे ले लो, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, उससे मालूम चल जाता है 120 120 120 ऐसे है ना। सोच लो ये sp2 कैसे किया, फर्स्ट ES ऑफ एलिमेंट, हाँ केवल सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फ्लोरीन को इससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होगा, केवल सेंट्रल एटम, तो केवल वही देखना है तुम्हें, ठीक है ना। अब वो तुम्हें कितना किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जाएगा वो मैं बताता हूँ, ES1 ES2 के ग्राउंड स्टेट वो कैसे फाइंड करोगे, पहले तो शेप देखते जाओ, शेप देखते चले जाओ कैसा कैसा हो गया। sp रहा तो लीनियर, sp2 रहा तो ट्राइगोनल प्लेनर, अब sp3 रहेगा ना तो अपने प्लेन से हट जाएगा वो, sp3 कैसा हो जाएगा, एक ए इधर, बी यहाँ पे बी और यहाँ पे बी और एक बी यहाँ पे, तो ये बॉन्ड एंगल जो आएगा सबके बीच में, ये अलग अलग प्लेन हो गए, पिरामिड टाइप का, टेट्राहेड्रल जिसको बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट, सबका सेम होते जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसका जो होगा टेट्राहेड्रल, इसका एग्जाम्पल लोगे तो CH4 है, कार्बन बीच में है, चार हाइड्रोजन इसके चारों ओर से हैं। ओके, अब पांच हो जाए तो क्या होगा, PCl5, तो उसमें क्या होगा, फास्फोरस बीच में जाएगा, ये तीन क्लोरीन जैसे ट्रायगोनल प्लेनर बना था वैसे बना देना, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ऐसे है ना, और दो क्लोरीन यहाँ पे अप और डाउन कर दो ऐसे, ये ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, कैसे ट्रायंगल, यू कैन सी ये ट्रायंगल है ना, और ऊपर वाले क्लोरीन को ऐसे इससे मैच कर दो तो एक पिरामिड बन जाएगा, देखो एक पिरामिड बना बन गया ना, और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, इस क्लोरीन को ये क्लोरीन को मिक्स करो, तो बेस है ट्राइगोनल और दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो इसलिए बाय पिरामिडल। शेप तो डायरेक्ट याद करते जाओगे, इसका शेप टेट्राहेड्रल, इसका शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पहले वाले का क्या था लीनियर, फिर ट्राइगोनल, फिर टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इससे आगे चले जाए तो SF6 टाइप, SF6 टाइप में चले जाओगे तो सिक्स फ्लोरिन है, तो वो क्या होगा, पहले स्क्वायर बना लेगा 90 डिग्री, इसमें ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे, सब 90 डिग्री पे, और एक फ्लोरिन इसके ऊपर, एक फ्लोरिन इसके नीचे, मतलब अपने कॉपी पे चार, एक सल्फर और चार फ्लोरिन रख देना,
और एक फ्लोरीन ऊपर की ओर आएगा, एक नीचे की ओर आएगा, तो इसका शेप कैसा दिखेगा तुम्हें? ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर बेस, और ये ऊपर इससे जैसे ही मैच करोगे कैसा दिखेगा? ये पिरामिड दिखने लगा ना, ये कैसा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड। एक पिरामिड नीचे भी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। और ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मतलब एट, हेड्रल मतलब फेसेस, एट फेसेस, एट फेसेस यू कैन सी। जैसे कि एट फेसेस कैसे दिखेगा? ये एक फेस है यहां से लेके यहां से लेके ये, इसी तरह से चार फेस ऊपर की ओर है, ये दूसरा फेस हुआ, ये तीसरा फेस हुआ, बैक में एक फेस हो गया, चार और नीचे चार, इसमें ऑल 90 डिग्री एंगल, सोच लो। और एक आएगा IF7 लास्ट। IF7 में क्या होगा? पेंटागनल, इससे पहले था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, और ये होगा पेंटागनल बाई पिरामिडल, मतलब पेंटागन बना दो एक। देखो, यू हैव फॉर्म्ड अ पेंटागन, नाउ बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल मतलब एक ऊपर होगा और एक इसके अप जाएगा ऐसे, क्लियर हुआ ना? तो ये होगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। अंदर का एंगल तुम लोगों को मालूम होगा क्या होगा, इनसाइड का एंगल बताओ। हाँ, 72 डिग्री, 72 डिग्री ऐसे होगा ना, और बाकी दो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा ना, जो ऊपर और नीचे चला गया। पेंटागन तुम्हारे कॉपी पे है, और एक अप साइड है और एक डाउन साइड है। एक बार बुकलेट पे जाओ, बुकलेट कहाँ पे, ताकि फिगर से क्लियर होते जा। हाँ, पेज नंबर 26 पे जाओ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पेज नंबर 21, बुकलेट का पेज नंबर 21। ओके, देखो कैसा दिया है। फर्स्ट, पहला हम लोग देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, उसका एग्जांपल दिया है BeCl2। BeCl2 तुम्हें ग्राउंड स्टेट में जाएगा कि साइड स्टेट में कैसे मालूम चलेगा, कौन से किस स्टेट में जाएंगे, ये भी डाउट आ रहा था ना, वो देखते हैं। ठीक है, तो BeCl2 की बात करें, पेज नंबर 24। ओके, अरे तो पूरा एक्सप्लेन करने दो फ्लो में, इवनिंग में सब डाउट, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, फ्लो में सबको सब समझ में आ जाएगा। पहला ले लो BeCl2, देखो वो पेज पे दिया हुआ है। तो बेरिलियम तुम्हें मालूम है कि 1s2 2s2 है, तो ये तो कंबाइन करेगा ही नहीं, जब लोन पेयर बना हुआ है, कंबाइन करके पेयर आया हुआ, तो क्यों कंबाइन करे वो? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यही होगा ना। बट यहाँ पे दो बॉन्ड बनाया उसने, मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड ना, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इधर आएगा इस साइड, तभी दो बॉन्ड बनाएगा ना, इसको अनपेयर मत करना, तब तो फोर बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ बेरिलियम फोर बॉन्ड बना रहा हो तब इसको अनपेयर्ड करना है, यहाँ दो ही बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, कौन सा एग्जांपल BeCl2, कितना बॉन्ड बनाया बेरिलियम ने? टू बॉन्ड्स, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक्साइटेड स्टेट वन में गया ये, तो ये लोन पेयर रह जाएगा इसके पास, और ये इस तरह से होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, लोन पेयर कितना है? वन लोन पेयर, कुछ रॉन्ग हो जा रहा है, ये मैंने 1s2s लिखा है ना, हम लोग को इससे क्या मतलब है 2s से, हम लोग को 2s2p से मतलब था। ये लोन पेयर जो वैलेंस का होता है वही काउंट करते हैं, इसका नहीं,
ये 2s और ये 2p, 1s काउंट ही नहीं करना था, वैलेंस सेल को केवल देखो। हाँ तो ये दो बॉन्ड बना दिया, तो इसमें लोन पेयर है क्या वैलेंस सेल में? वैलेंस सेल में जीरो लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड ये दोनों सिग्मा ही होंगे, टू सिग्मा, क्योंकि क्लोरीन आके बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा सिग्मा ही बनाएगा, टू मतलब एसपी। मतलब होगा क्या कि ये एस और ये पी आपस में मिक्स होकर एसपी बन जाएंगे, तो ये बन गया एसपी और ये भी बन गया एसपी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 को तो कुछ नहीं हुआ, 2s गायब हो गया, 2s के जगह वो क्या बन चुका है? sp, वही स्प्राइट पेप्सी मिक्स हो चुका है 1, ये भी क्या बन चुका है? sp, अभी दोनों में 1-1 हो गया। तो बेरिलियम का शेप कैसा होगा? ये बेरिलियम ले लो, इसके पास क्या क्या ऑर्बिटल है? एक sp ऐसे होगा, बड़ा सा लॉब, एक छोटा सा लॉब, यहाँ भी एक बड़ा सा लॉब और ये छोटा सा लॉब, लीनियर होगा ना, तो ये भी sp है, ये भी sp है, और बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री, यही हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम के अंदर हुआ, क्लोरीन को इससे कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होता है? सेंट्रल मेटम के अंदर। अब क्लोरीन आएगा, तो क्लोरीन के पास क्या होता है? 1s2, 2s2, लास्ट में क्या बच जाता है? 3p5 ना, तो क्लोरीन पास 3p5 है, तो 3p5 वाला आके यहाँ पे डोनेट कर देगा ये, तो ये इसने क्या ऑफर किया? एसपी, और इसने क्या ऑफर किया? पी, तो ये एसपी और पी का ओवरलैप है। फिर एक क्लोरीन इधर से आएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ ये कंबाइन कर जाएगा ऐसे, तो ये भी किसका ओवरलैप हो गया? एसपी और पी का, ये हो गया BeCl2, लीनियर शेप 180 डिग्री पे, यही है ना, ये क्लियर हुआ? ओके okay. तो बुकलेट में देखो ये दिया हुआ BeCl2, अच्छे से बुकलेट समझ में आ रहा है ना? अभी पढ़ लेना एक एक चीज, हाइब्रिडाइजेशन में एक एस है, एक पी है, ये बुकलेट सही से पढ़ लेना, हो जाएगा, है ना? दो एसपी होंगे, दोनों 180 पे होंगे, बहुत सही से दिखा हुआ अपने बुक में। एक बड़ा लॉब है, एक छोटा लॉब है, छोटे लॉब किसी काम का नहीं, बड़े लॉब रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन आके रिएक्ट करेगा इधर से, हम SP2 वाला समझ लें कैसे? सबको क्लियर हो गया? गुड, देखो बुकलेट पढ़ोगे शाम तक क्लियर हो जाएगा, इसको क्लियर करना ही है, नहीं तो पूरा केमिस्ट्री छोड़ दो, फिर ऐसा हो जाएगा। इस कंसेप्ट को किसी तरह तुम्हें क्लियर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी के थ्रू जाएगा। BF3 बोरॉन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p1। तो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट देखे हम लोग, ये 2s है, 2p है, बट इसने कितना बॉन्ड बनाया बोरॉन का? सोचो तो बॉन्ड कितना होता है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों बॉन्ड बना गए, तो तीनों तो सिग्मा ही हो गए, तो जीरो लोन पेयर ऐसा दिखना चाहिए ना। 3 मतलब sp2, हाइब्रिडाइजेशन तो तुम पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन तो 3 हो गया ना sp2। ये हो गया 3s3p, इसमें क्या हो गया? ऐसा होगा ग्राउंड स्टेट। हाँ 2s2p, सॉरी 2s और 2p है, तो लिखने में रॉन्ग हो गया, रुक जाओ पूरा। ये 1s2 नहीं चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ये 2s था, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1, तो ये ग्राउंड स्टेट में कंबाइन करेगा क्या? तब तो एक ही बॉन्ड बनाता, बट बॉन्ड कितना बनाया? बॉन्ड फॉर्म इज 3 ना, बॉन्ड फॉर्म्स आर 3, मतलब 2s इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड एंड विल शिफ्ट टू 2p, so now it can form 3 bonds, so 3 bonds can be formed over here and all 3 will form sigma bond, all 3 bonds will be of sigma in the nature, no? So 3 sigma bonds have been formed, pi bond to hai nahi, lone pair is not there, to kya hoga? sp2 hybridized na, ab ye tino ke tino kya ho jayenge? sp2,
एक एसपी टू कैसा होता मालूम है, मतलब बोरॉन बीच में आ गया, अब तीन एसपी टू डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बड़ा लॉग, छोटा लॉग, छोटा लॉग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं लिखे होगा तो भी चलेगा ऐसे, एक बड़ा लॉग ये छोटा लॉग, ऐसा हो गया ना, अब ये तीनों एसपी टू हो गए, एसपी टू एसपी टू एसपी टू, सब में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या होगा यहाँ से क्लोरीन फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन आएगा तो क्या होगा यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन प्लस टू पी होगा, वो आपको ओवरलैप कर गया ऐसे, ये किसका ओवरलैप है एसपी टू एंड फ्लोरीन, क्या ऑफर किया पी ना, एक फ्लोरीन इस साइड से आएगा, मतलब फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये मालूम चल रहा है ना, वो जस्ट गेस्ट है, जब इसने स्प्राइट पेप्सी सर्व कर दिया तो फ्लोरीन बस ड्रिंक करने के लिए आ रहा है उसे, इधर से आया, हाइब्रिडाइजेशन में फ्लोरीन का कोई रोल नहीं है, सब बोरॉन के अंदर चल रहा है ये सब, एसपी टू एनपी, सो बॉन्ड एंगल विल बी व्हाट 120 डिग्री ना, एसपी टू पी एसपी टू पी एसपी टू पी यही होगा ना, ये देख लो एक बार बुकलेट में, ये एक्सप्लेन किया हुआ है बुकलेट से, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन कैसे दिया हुआ देख लो, बोरॉन ग्राउंड स्टेट में एक ही बॉन्ड बनाता, तो उसे एक्साइटेड स्टेट में ले गया तो तीन बॉन्ड बना दिया, तीन ही बनना था ना, अब तीनों क्लोरीन आके उससे कंबाइन करके पेयर कर देंगे, तीन बॉन्ड बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ गया 120, 120 एक दूसरे से किस एंगल पर होगा, 120 मतलब एंगल होगा 120 डिग्री का, तो तीनों क्लोरीन 120 डिग्री पे होंगे, ये क्लियर हो गया। एसपी थ्री मैंने अभी एक्सप्लेन किया था देख लो, कार्बन का क्या है चार बॉन्ड बनाना था, चारों एसपी थ्री हो गए, उसका बॉन्ड एंगल कितना जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट दिया हुआ है ना, 109.5 डिग्री, क्लियर हुआ। ओके नेक्स्ट देखें, क्लियर। हाँ तो दो और है ये देख लेते हैं, देन वी कैन लीव। इसके बाद कौन सा था CH4 वाला, CH4 वाला जो बता दिया था कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट में क्या था 2S2 2P2, तो इसमें तो कंबाइन किया नहीं, चार बॉन्ड बनाना था, मतलब एक्साइटेड स्टेट में ही जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कैसा होगा, इस तरह से हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया, चारों हाइब्रिडाइज SP3, तो ये CH4 का SP3 ऐसे बता दिया था कि इस तरह से बना देना अभी 109 डिग्री 28 मिनट, 28 30 मिनट को 0.5 बोलोगे ना, मतलब 109.5 डिग्री, ये हुआ ना, सारे एंगल वही होंगे। नेक्स्ट देखो PCl5, फास्फोरस का कितना होगा 3S2 3P3, ऐसा होता ना, ये 3S हो गया, ये 3P है, अभी तो कंबाइन नहीं करेगा, पांच बॉन्ड बनाना था इसके अकॉर्डिंग, तो थ्री बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, ये बनाता तो क्या बनाता, थ्री बॉन्ड वन लोन पेयर, बट ऐसा तो है नहीं, बना कितना है 5 बॉन्ड्स ना, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ये अनपेयर हो गया, अनपेयर होके पी में भी एक चला गया, इधर चला गया ना डी में, सॉरी ये 3S हो गया, 3P हो गया, 3D हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, हाइब्रिडाइजेशन तो पहले कैलकुलेट करना बता दिया मैंने, लोन पेयर कितना है 0 लोन पेयर 5 सिग्मा, मतलब SP3D यही है ना, तो ये SP3D हो गया, SP3D कैसा आएगा शेप, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, ऐसा होगा ना, ये हो जाएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एक ट्रायंगल बना दो, दो क्लोरीन ऊपर नीचे डाल दो, PCl5 भी क्लियर हो गया, हाँ SP3D क्लियर ना, नहीं नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप ओवरलैप, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर उसका कोई मतलब नहीं है, फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो प्लस प्लस चार्ज नहीं होता, पी ऑर्बिटल में एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था ना प्रणय, एक और प्लस है एक और माइनस है ना, मतलब वो वेव नेचर है उसका, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आता है, एंगल मतलब एंगल जो होगा इसमें तीन तो 120 डिग्री पे, PCl3 अपने कॉपी पे फास्फोरस का रखो, तीन क्लोरीन जो होगा अपने नोटबुक पर रखा, तो तीन क्लोरीन 120 पे, बाकी दो क्लोरीन ऊपर की ओर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या है एक्सियल,
और ये क्या है इक्वेटोरियल, और इसमें बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। तो पीसीएल फाइव में ये दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, जो एक्सियल पे वो बड़े होंगे देन इक्वेटोरियल। देखो तो नोट्स में दिया हुआ है, पीसीएल फाइव में लिखा हुआ, देख लो एक बार। एसएफ सिक्स एक लास्ट कर लेते हैं, फिर इवनिंग में करेंगे। ओके अभी देखो कौन सा एसपी थ्री डी, हाँ ये पीसीएल फाइव बता दिया, ये आएगा ही क्वेश्चन कि दो एक्सएल का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होता है देन इक्वेटोरियल। एसपी थ्री डी टू देखो एसएफ सिक्स वगैरह है, तो उसका क्या होगा, सिक्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, एसएफ सिक्स है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर दो, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखा होगा ऑक्टाहेड्रल वगैरह। तब अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो मैंने भेज दिया इसे पढ़ लो पूरा, और हाइब्रिडाइजेशन ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट मुझे अभी अभी बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें, है ना।